अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? मॉर्निंग हो गई और आप भी कर रहे हैं काम काम तो काम। दरवाजे में जरा गैप था तो एसी की कूलिंग बाहर जाती थी, हम लगा रहे हैं इसके ऊपर फोमिंग। जींस कर दो सारे और छिपलियां छिपलियां और लिजर्ट वगैरह के बच्चों से हमें बहुत खिंच होती है, तो वो भी ना हमारे रूम में आए इसलिए उसका बंदोबस्त कर रहे हैं। जी कहा जैनब सुन लिया क्या? कह रहा मम्मा इतनी बड़ी लिजर्ट आई भी तो है ये लेटी भी। ये लिजर्ट थोड़ी है, ये तो पूरा है ना सारे और ये इतने सारे कपड़े मैं आयरन करने लगी हूँ अब बैठ के यहाँ पर, तो मैंने कहा जरा काफी कपड़े नहीं है आयरन हुए हुए काफी सारे, फिर जोड़े जरा मैं इकट्ठा इस्त्री करके टांग देती हूँ। क्या केल चाहिए? ये हमारा फोम जो लग रहा है यहाँ पर, ताकि हमारे रूम में एक तो एसी की कूलिंग ना जाए, दूसरा कोई क्योंकि बरसात आने वाली है तो लिजर्ट के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत आते हैं हमारे फिर रूम में, तो उससे बहुत हमें उलझन होती है। वो आ जाए तो फिर हमें नींद नहीं आती, क्यों आतिफ जब तक कमरे से निकले ना, एक तो रात के एक दफा रात के याद है 3 बज गए थे, निकालते निकालते हमें छोटा सा बच्चा, फिर कहीं मैं तो सो गई, फिर आतिफ और जैनब ने जब तक उसे मारा नहीं 3 बजे 3:30 बजे तक तो ये सोए ही नहीं दोनों, है ना सारिम शाह? सारिम शाह नहीं डरता मेरा, सारिम की तो मॉर्निंग ही नहीं होती है, ब्लैंकेट होता है और ये बच्चा होता है और बस ये लेटा रहता है हैं और हिलता रहता है। उठ जाओ, मुंह धो के कपड़े चेंज कर लो अब अपने, और भी लगाना है कहीं पे? अभी ऊपर एक लगाना है, अभी भी लगेगा। अच्छा अच्छा, आप ये करके यहाँ से हटो ताकि फिर मैं आयरन कर लूँ कपड़े शपड़े अपने हैं। आज सुबह ओह मेरे कपड़े भी छत पे पड़े हुए हैं, मैं ज़रा छत पे से कपड़े भी उतार के लेके आई अपने छत पर, अपने कपड़े उतारने और धूप देखे तपती दोपहर ही हुई हुई है, तपती दोपहर ही, इतना तेज सूरज है, कहाँ है सूरज हमारे, वो चमक रहे सूरज साहब। और बस अब मैंने कहा ज़रा कपड़े उतारूँ, आपको भी ज़रा दिखाऊँ कि कितनी शदीद गर्मी पड़ी हुई है आज तक। चले कपड़े उतारते हैं फिर नीचे लेजगो होते हैं। और सारिम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के अपना होमवर्क, और सारिम के होमवर्क में हेल्प कर रहे हैं उनके डैडी। डैडी आप क्यों हेल्प कर रहे हैं? मैं इसको हल्का सा प्रैक्टिस करवा रहे हैं सारिम को, बड़ी मुश्किल से काबू आया है सारिम, पढ़ने का कोई नाम ही नहीं था, छुट्टियाँ गुजर रही हैं ख़त्म हो रही हैं, मैंने कहा अब तो काम उखा लो भाई। क्यों सारिम? मैं लुट गया हो गया काम। कितना हो गया? आई मेरा हाथ ही गलत पड़ रहा है, मैं जरा अपना एक और क्योंकि वो आपको कह रही है थोड़ा सा ही है या? आगे अगला पेज है ना, इसके कापियों पे नाम भी लिखने हैं। अच्छा अगला पेज भी लिख लो सा। हाँ और ये भी देखो कितना सा दिए हुए मैम ने, कम काम ही है आपको, बस आप तवज्जो से लिख लो एक दफा बैठ के, कापी इधर खिसका लो जरा सी, और शाम को भी बैठ के लिखने हैं, रात को बिस्तर में जब आओगे ना उस टाइम भी बैठ के थोड़ा थोड़ा सा कर लेंगे। हाँ जी ना। अच्छा इस सारे आए हुए हैं मेरी गली के अंदर, हमारी गली के अंदर क्यों आए हुए हैं सारे हम? क्योंकि मैं और सारे बोर हो रहे हैं और हम डैडी को बोल रहे हैं हमें ले जाएं, और कोई हमें ले के नहीं जा रहा भाई, है ना सारिम स्टंट करते हुए। ये कचरा उठाया था और कचरे वाले अंकल इधर ही कचरा रख के चले गए, इतना बुरा लग रहा है, हमारी गली गंदी लग रही है। सामने दो अंकल बैठे हुए वो कह रहे होंगे इन बच्चों को क्या हो गया, है ना? तो कोई है अंदर की लाइट जल रही है, इधर आ जाओ। कम हियर, इधर आओ आप, कोई कुछ बातचीत कर लो, कुछ खेल लेते हैं हम। आप कहाँ जा रहे हो? पहले कितनी लिजर्ट होती थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिजर्ट होती है, हम देखते हैं कि आप तक लिजर्ट आए हमारे कैमरे के अंदर, है ना? चलो अंदर चलो अंदर चले गए, इसमें सारे अंदर जा रहे हैं हम। चलो 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 चलो,
बड़ी सरकार आ गई है। सो गाइस आतिफ भी आ गए थे बरीमाम से। आप बरीमाम गए हुए थे? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है। और मैं गया हुआ था बरीमाम हाजिरी लगाने। कैसा वेदर था इस्लामाबाद? अच्छा का था। गर्मी नहीं थी, गर्मी नहीं थी वहाँ पे, तो बिजली चमक रही थी, लाल सुर कॉलेज से बादल आए थे। अच्छा देखा ना? अच्छा मैं जब बैठा हूँ तो कॉलेज, हमने वीडियो इसमें एडिट की है व्लॉग में अपने, वो वाली आपकी जी, ये मरी वाली साइड से ना, बड़े काले सियाह घटा सही चमक रही थी सही, और हवा चल रही थी बिजली। आप क्या फरमा रहे हैं? बादल आए हुए हैं लेकिन बारिश अभी शो नहीं हो रही है ना, क्या पता हो जाए। अल्लाह करे हो जाए बारिश, क्योंकि तो नहीं शो हो रही थी। हो सकता है, हो भी जा सकती है। और हमने आज बनाई हुई थी लाल मसूर की दाल, बहुत मज़ेदार और यमी बनी थी, क्योंकि गोश्त खा के थक गए थे। इतने मज़ा आ रहा था ना अचार, हमने घर में अचार डालते हैं मिर्चें और उसमें डालते हैं हम वो डालते हैं, क्या डालते हैं उसके अंदर, लहसुन, देसी लहसुन, तो वो बहुत ही मज़ेदार और यमी सा अचार बनता है हमारा। और खांसी क्यों हो रही है, क्या खा के आए हो ऐसा खट्टा खट्टा? और काका मेरा क्यों ऐसे लेटा हुआ है, उदास उदास सा? ऐसी उदास है। और काका मेरा इधर लेटा हुआ है। और चलते करते हम अपने व्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो आज कौन बोलेगा, आप या सारिम? मैं। सारिम नहीं बोलेगा? नहीं। सारिम आप भी तो बोलो ना यार, आप और सारिम ट्यूनिंग करके बोलो। सारिम, सारिम का वॉइस बनी, ओहो गूंगे हो गए हैं सारिम मुझे लग रहा है। चले आप ही बोलने में। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।